मैं डॉक्टर चंद्रमणि प्रेमदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली। साथियों, मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में आज हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, देश और दुनिया में हिंदी को नया गौरव दिलाने के लिए, नया उनका परचम फैलाने के लिए अमेरिका में बसे हार्ट सर्जन डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी की कुछ रचनाओं का वाचन मेरे द्वारा। डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में न्यूयॉर्क में निवास कर रहे हैं। बहुत बार उन्होंने हिंदी सेवियों को अमेरिका में बुलाकर सम्मानित किया है और भारत में अनेक मंचों पर वो समय समय पर सम्मानित होते रहे हैं। आज उनको भारत में इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल और नारायणी साहित्य अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद जैसे अच्छे संगठनों ने, सुदृढ़ संगठनों ने भी सम्मानित किया है, या यूं कहें उनको सम्मानित कर वो संगठन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इसी श्रृंखला के क्रम में मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी की कुछ रचनाओं का वाचन देखें। रचना का शीर्षक है रामागमन। राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, देवालय के द्वार खोल दो, घर घर पावन सुमन बिछाओ। देवालय के द्वार खोल दो, घर घर पावन सुमन बिछाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सौ सौ वंदन वार सजाओ। सौ सौ वंदन वार सजाओ, आलोकित हो हर पगडंडी, सौ सौ दीप जलाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। त्रेता में मुख मोड़ गए थे, पावन धरती छोड़ गए थे। त्रेता में मुख मोड़ गए थे, पावन धरती छोड़ गए थे, मर्यादा की पुण्य ज्योति जो जलती जलती छोड़ गए थे। मर्यादा की पुण्य ज्योति जो जलती जलती छोड़ गए थे, कलयुग के इस गहन तिमिर में फिर आलोक जगाना होगा। कलयुग के इस गहन तिमिर में फिर आलोक जगाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। पुण्य भूमि है, स्वर्ण भूमि है, फिर कैसे श्रीहीन हो गई, मणियां सारी बिखर गई हैं, शक्ति सभी बलहीन हो गई। फिर से सारा रुद्र उग्र हो, शक्ति बाण बरसाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। निर्बलता है, निर्धनता है, अराजकता बहुत व्यथा है, आज दुशासन के चुंगल में बंदित ऐगणित जनक्षुता है। आज दशानन के चुंगल में बंदित ऐगणित जनक्षुता है, लंकेश्वर की इस लंका को फिर से हमें जलाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। और देखें अपनी इस कविता में डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सज्जित माँ के चरण कमल हैं, भिक्षा के मांगे सुमनों से भर दी हमने स्वर्ण कलश है। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सज्जित माँ के चरण कमल हैं, भिक्षा के मांगे सुमनों से भर दी हमने स्वर्ण कलश है। सुरवित मान सरोवर जल में नूतन कमल खिलाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। सुरदेवों की कर्म भूमि है, सद्भावों की मातृभूमि है। सुरदेवों की कर्म भूमि है, सद्भावों की मातृभूमि है। रणचंडी शक्ति प्रचंड का बलवानों की जन्मभूमि है। शक्ति यज्ञ के हमर कुंड से बलवानर भड़काना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। सत्य सशस्त्र हो, शांति प्रेम हो, शांति प्रेम हो, प्रचुर संपदा शक्ति प्रबल हो, शक्तिमान है दशरथ नंदन, अणु का बल हो, राष्ट्र बल हो, पूरब के ढलते सूरज को फिर से तुम्हें जगाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। न्याय धर्म हो, आत्मज्ञान हो, सब तरणों की भुजा सबल हो, हर घर बसते राम लखन हो, हर आंगन में जनक श्रुता हो,
न्याय धर्म हो, आत्मज्ञान हो, सब तरणों की भुजा सबल हो, हर घर बसते राम लखन हो, हर आंगन में जनक सुता हो, सवेरे पुण्य अयोध्या नगरी, लोग मेघ करवाना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। जलती पावन सीमा रेखा, पुण्य धरा पर प्रलय ज्वाल है, जलती पावन सीमा रेखा, पुण्य धरा पर प्रलय ज्वाल है, आकुल शिशक रहे तेरे सुत, धनुष बना फिर महाकाल है, धनुष बना फिर महाकाल है, पड़ी ददीची की हड्डी है, ब्रज प्रहार कराना होगा, राम तुम्हें आना ही होगा, राम तुम्हें आना ही होगा। और एक और दूसरी कविता देखें, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मेहता के जी की, बड़े गौरव की बात है और बड़े हम सभी हिंदी के लोगों के लिए बड़े स्वाभिमान की बात है कि एक व्यक्ति जो हार्ट सर्जन है और भारत से 7 समुद्र दूर लगभग 50 वर्षों से न्यूयॉर्क में है, उसके बाद वजूद भी वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा और हिंदी को नहीं भूला और अनवरत हिंदी के लिए लेखक बन रहे हैं। हमेशा प्रतिवर्ष वो भारत आते हैं, अपने मूल गांव बिहार मूल गांव भी जाते हैं और बहुत सारे हिंदी कार्यक्रम भाग लेते हैं। एक और रचना देखें आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी की, सपनों का मधुबन। सपनों का मधुबन रचना में डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी कहते हैं कि सपनों का यह मधुबन जीवन, चिर गहन तिमिर की मधु रजनी, चिर निद्रा में था प्राण विकल, थी महाशून्य की मधु वेला, हो उठा विकल मन अति चंचल, सपनों के मधुरम पंख खोल, आया भू पर नव जीवन, सपनों का ये मधुबन जीवन, सपनों का ये मधुबन जीवन, प्रतिबंबों की मन भावन छवियां, प्रिय सुमन मधुर सुरभित शीतल, रसना की निर्झन्नी बहती, मन बना मंदिर मधु में चंचल, मधु में ये मादक मदरा है, पी पी कर झूम रहा यह तन, सपनों का ये मधुबन जीवन, जलते हैं ज्वाल विषम अगणित, मन कलांत जलाती पीड़ा है, दुख के बड़ नावल में जलना, यह भी जीवन की कीड़ा है, दुख के बड़वा नल में जलना, यह भी जीवन की कीड़ा है, जलना इस ज्वाल भरे पथ पर, कैसी पीड़ा का है बंधन, सपनों का है मधुबन जीवन, जलना इस ज्वाल भरे पथ पर, कैसी पीड़ा का यह बंधन, सपनों का ये मधुबन जीवन, मधु ऋतु के मादक सुपनों सा, मधु ऋतु के मादक सुमनों सा, सुरभित मादक मधु है जीवन, ज्वाला में जलते सबलों सा, पीड़ा में पलता ये जीवन, राका वसंत रजनी का है, राका वसंत रजनी का है, आतप का ज्वाल बना जीवन, सपनों का ये मधुबन जीवन। देखें आगे क्या कहते हैं डॉक्टर विजय कुमार मेहता जी की, उस महाशून्य की वीणा पर, उस महाशून्य की वीणा पर, प्रिय जब छेड़ेंगे ज्ञान विमल, आमंत्रण की मधुवेला में मिट जाएंगे ये स्वप्न सकल, आमंत्रण की मधुवेला में मिट जाएंगे ये स्वप्न सकल, ये मधुर सलोने अति मोहक, छाया में क्षण में मन भावन, सपनों का ये मधुबन जीवन, ये मधुर सलोने अति मोहक, छाया में क्षण में मन भावन, सपनों का ये मधुबन जीवन, सपनों का ये मधुबन जीवन। धन्यवाद, विशेष आभार, नमस्कार।